नबी को आपकी नस्लें समझ नहीं सकती। जनाब नूर पर 70 हिजाब होते हैं। हजरत सबसे पहले तो इस जश्न बाबरकत की तहनियत और तबरीक आप सबके खिदमत में पेश करता हूँ। गुजारिश है कि परवाने दुरूद पे रख के इस जश्न की मुबारकबाद हिदायत के आखिरी चिराग की बारगाह में पेश कर दें। बा आवाज बुलंद नारे सलवात इरशाद मतला गुजारिश करता हूँ, मुलाहजा फरमाएं। माशाल्लाह बहुत उम्दा समात कर रहे हैं, अर्शी भाई की अर्शी निजामत। मुलाहजा फरमाएं, मतला गुजारिश करता हूँ। जो आशिकाने रिसालत माब होते हैं, जो आशिकाने रिसालत माब होते हैं, सानी मिश्रा मुलाहजा फरमाएं, जो आशिकाने रिसालत माब होते हैं वो हर सवाल पर हाजिर जवाब होते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। शेर मुलाहजा फरमाएं, उलमा तशरीफ फरमाएं और जनाब भी तशरीफ फरमाएं, असातिज़ा तशरीफ फरमाएं। एक हदीस है जिसे नज़्म किया है और माशाल्लाह किसी लफ्ज की शरह कराना मकसूद नहीं है, मैं सिर्फ शेर पढ़ता हूँ आप तक पहुँचेगा। जो आशिकाने रिसालत माब होते हैं वो हर सवाल पर हाजिर जवाब होते हैं। नबी को आपकी नस्लें समझ नहीं सकती। जनाब नूर पर 70 हिजाब होते हैं। नबी को आपकी नस्लें समझ नहीं सकती। नबी को आपकी नस्लें समझ नहीं सकती। जनाब नूर पर 70 हिजाब होते हैं। नबी को आपकी शेर मुलाहजा फरमाएं, नबी को आपकी नस्लें समझ नहीं सकती। जनाब नूर पा 70 हिजाब होते हैं। नबी का कौल है जिक्र अली किया कीजिए, अली के जिक्र से चेहरे गुलाब होते हैं। सलामत रहिए आप, मौला आपको आबाद रखें, सलामत रहिए। मुलाहजा फरमाइए, एक मंजिल तक आपको लेके चलता हूँ। दोनों शेर फिर पढ़ो, जबान मुलाहजा फरमाइए और खास तौर पे मिस्रों की तराश खास तौर पे मुलाहजा फरमाए। जो आशिकाने रिसालत में आप होते हैं वो हर सवाल पर हाजिर जवाब होते हैं। नबी को आपकी नस्लें समझ नहीं सकती। जनाब नूर पर 70 हिजाब होते हैं। मुलाहजा फरमाए कि नबी का कौल है जिक्र अली किया कीजिए, अली के जिक्र से चेहरे गुलाब होते हैं। अगर ये मैसेज पहुंच जाए तो आज की महफिल का एक मैसेज है जिसे तबरुकन लेके जाइएगा। मुलाहजा फरमाए, काश के बाद पहुंच जाए कि अली के जिक्र से चेहरे गुलाब होते हैं। मुलाहजा फरमाए कि गिजा हलाल की मिलती नहीं है बचपन में, गिजा हलाल की मिलती नहीं है बचपन में, यही सबब है जो बच्चे खराब होते हैं। गिजा हलाल की मिलती नहीं है बचपन में, यही सबब है जो बच्चे खराब होते हैं, यही सबब है जो बच्चे खराब होते हैं। और जश्न रहमतुल्लिल आलमीन है, सलावात बा आवाज बुलंद आप इरशाद फरमा दें। बा आवाज बुलंद हजरात, अब चूंकि ऐसा लग रहा है कि ये जो सामईन यहाँ हैं गालिबन ये मादरे इल्मी यानी जामे जवादिया में महफिल में शायद बहुत सारे चेहरे नहीं थे, और ये हुक्म भी दिया गया था यहाँ आने से पहले कई कॉल्स भी आई, क्या आप वो कलाम ज़रूर पढ़ दीजिएगा। अच्छा, उसके अंदर कुछ शेर इजाफी मैंने किए हैं और कुछ इजाफा है, इजाफे के साथ सुनिए। मैं मतला पेश करता हूँ, मुलाहजा फरमाएं, खास तौर से मतला नात का मुलाहजा फरमाएं कि मतलऊन नूरैन से सारा जहां ज़ोबार है। मादर इल्मी का मिसरा था। मतला मुलाहजा फरमाएं, अर्ज करता हूं कि क्या लिखूं नाते नबी एक लफ्ज भी दुश्वार है। सम भाई मतला मुलाहजा फरमाइए कि अगर मिसरा सानी मिसरा पहुंच जाए तो बोलिएगा कि क्या लिखूं नाते नबी एक लफ्ज भी दुश्वार है, हाँ अगर मुश्किल कुशा चाहे तो बेड़ा पार है। आबाद रहिए, सुनिएगा एक शेर की मंजिल तक जहां ले जाना चाह रहा हूं कि क्या लिखूं नाते नबी एक लफ्ज भी। अर्शी भाई मुलाहजा फरमाए, आप चले गए थे दिल्ली, मुलाहजा फरमाए कि क्या लिखूं नाते नबी एक लफ्ज भी दुश्वार है, हाँ अगर मुश्किल कुशा चाहे तो बेड़ा पार है। करके बुढ़िया की अयादत, करके बुढ़िया की अयादत, दर्श बुढ़िया को दिया,
करके बुढ़िया की आयादत दर्श बुढ़िया को दिया, वो तेरा किरदार था और ये मेरा किरदार है। आज के बाद पहुंच जाए मुलाजा फरमाइए, करके बुढ़िया की आयादत दर्श बुढ़िया को दिया, वो तेरा किरदार था और ये मेरा किरदार है। मुलाजा फरमाइए, वो तेरा किरदार था और ये मेरा किरदार है। एक शेर तक जहां तक मैं ले जाना चाह रहा हूँ, मुलाजा फरमाइए रशीद साहब, शबरोज साहब मुलाजा फरमाए कि वो तेरा किरदार था और ये मेरा किरदार है। जाहिलों की मारिफत, खास तौर पे प्रेजेंट टाइम को देखिएगा हालात हजरा, जाहिलों की मारिफत आलिम कराएगा मगर, लहजा फरमाइए अशीर साहब शेर सुनिए कि जाहिलों की मारिफत आलिम कराएगा मगर, जाहिलों की मारिफत आलिम कराएगा मगर, जाहिलों को क्या खबर आलिम का क्या मेयार है। मुलाहिज़ा फरमाइए एक मंजिल तक जहां तक ले जाना चाह रहा हूं कि जाहिलों की मारिफत आलिम कराएगा मगर, जो फिलॉसफी पढ़े बैठे हैं फलसफा पढ़े बैठे हैं उनको बड़ा लुत्फ आएगा कि जाहिलों की मारिफत आलिम कराएगा मगर, जाहिलों को क्या खबर आलिम का क्या मेयार है। मुलाहिज़ा फरमाइए कि जाहिलों को क्या खबर आलिम का क्या मेयार है। खास तौर पर यह शेर मुलाहिज़ा फरमाइए, वो शेर चूंकि मखसूस था मदरसे के लिए इसलिए वो शेर मैं नहीं पढ़ता हूं यहां, लेकिन अब चूंकि ये मदरसा है जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का कायम करता, मैं पढ़ सकता था लेकिन मैंने वो शेर बचा लिया। एक शेर जिसके लिए उलमा ने बहुत सराहा है जवादिया में, देखता हूं आपकी मुनसफाना फिक्र की अदालत में पेश करके मुलाहिज़ा फरमाइए कि जाहिलों की मारिफत आलिम कराएगा मगर, जाहिलों की मारिफत आलिम कराएगा मगर, जाहिलों को क्या खबर आलिम का क्या मेयार है। शेर मुलाहिज़ा फरमाइए, तराज देखिएगा, एक तखील पेश कर रहा हूं कि गौर से देखो जरा तस्बीह ज़हरा की तरफ, काश के बाद पहुंच जाए, ये तोहफा है आज की महफिल का, सुनिएगा चाहे जैसे कबूल कीजिए कि गौर से देखो जरा, नहीं समझ सुनिए कि गौर से देखो जरा तस्बीह ज़हरा की तरफ, ये इबादत के गले में फातिमा का हार है। गौर से देखो जरा तस्बीह ज़हरा की तरफ, ये इबादत के गले में फातिमा का हार है। गौर से देखो जरा तस्बीह ज़हरा की तरफ, गौर से देखो जरा तस्बीह ज़हरा की तरफ, ये इबादत के गले में फातिमा का हार है। लहजा फरमाइए, देखिए ये जो मुहज्जब बज्म है और जो वाकई मुहज्जब बज्म होनी चाहिए जहाँ इतलाक हो इस जुमले का, वो इस वक्त यहाँ पेशे नजर है, तखातुब में हूँ, मौला आपको आबाद रखे कि गौर से देखो जरा तस्बीह ज़हरा की तरफ, ये इबादत के गले में फातिमा का हार है। अब सुन लीजिए साहब तज़मीन भी आपके हवाले, मतलऊन नूरैन से सारा जहां ज़ोबार है, अगर मिसरा लग गया हो तो दुआ में याद रखिएगा, गौर से देखो जरा तस्बीह ज़हरा की तरफ, ये इबादत के गले में, मुझे दूसरे मिसरा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, पहला मिसरा पहुंच जाए, मतलऊन नूरैन से सारा जहां ज़ोबार है, गौर से देखो जरा तस्बीह ज़हरा की तरफ, ये इबादत के गले में फातिमा का हार है, एक तरफ शमसु सुहा और एक तरफ बद्रुद्दुजा। आबाद रहिए, मौला आपको शादो आबाद रखें, एक तरफ शमसु सुहा और एक तरफ बद्रुद्दुजा, मतलऊन नूरैन से सारा जहां ज़ोबार है, एक तरफ शमसु सुहा और एक तरफ बद्रुद्दुजा, मतलऊन नूरैन से सारा जहां ज़ोबार है। अब मैंने अभी तो डायरी भी नहीं खोली है, हाफिजे की बयाज से जो बातें हैं वो आप तक पहुंचा रहा हूं, और ममदू की बारगाह में ये लाजिम है कि कुछ अशार पढ़े जाएं, उसके बाद आप इल्तिफात कीजिए, बात करबला पे ही खत्म करूंगा। मुलाहिज़ा फरमाइएगा, इसलिए कि हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, इसे जहन में रखिएगा, जनाबे इस्माइल बचे तो हुसैनो मिन्नी की तफसीर मिली, करबला में दीन मोहम्मद बचा तो अना मिनल हुसैन की तफसीर मिली, तो इसे महसूस कीजिएगा। उलमा तशरीफ फरमाए, मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, मतला मुलाहिज़ा फरमाइए, खवास का मजमा है तो इंतखाब भी वैसे ही किया है, मुलाहिज़ा स्टेज पे जो बातें होती हैं वो होती हैं, यहां उलमा तशरीफ फरमाए, मतलब मुलाहिज़ा फरमाइए कि अली का इश्क दिले मोतबर में रखा जाए, खास तौर पे मतला मुलाहिज़ा फरमाइएगा, यसे उनी कल्बो अब्देल मोमिन, मैं मोमिन के दिल में बसता हूं, मुलाहिज़ा फरमाइए कि अली का इश्क दिले मोतबर में रखा जाए, मिसरा फिर मुलाहिज़ा फरमा ले, खुदाए हुसैन का वास्ता, अली का इश्क दिले मोतबर में रखा जाए, खुदा के रास को उसके ही घर में रखा जाए। आए हाय, मौला आपको आबाद रखे, जन तक मतला नहीं पहुंचा है, कम से कम आप पहुंच जाए, खास तौर से मुलाहिज़ा फरमाइएगा, जो इंतखाब किया है वो आज की महफिल के लिए कलाम है, मुलाहिज़ा फरमाइएगा, क्या अली का इश्क
दिले मोतबर में रखा जाए, खुदा के राज को उसके ही घर में रखा जाए। मुलाहिजा फरमाइए कि खुदा के राज को, अर्शी साहब, खुदा के राज को उसके ही घर में रखा जाए। मुलाहिजा फरमाइए कि खुदा के हुक्म पा लब्बैक कह दिया इसने, पूरी तारीख है। मुलाहिजा फरमाइए कि खुदा के हुक्म पा लब्बैक कह दिया इसने, ये अक्ल है इसे इंसान के सर में रखा जाए। शेर पढ़ाए आपके बारगाह में, मुलाहिजा फरमाइए जहां तक ले जाना चाह रहा हूं। खुदा के हुक्म पा लब, इंशाल्लाह बहुत महसूस होंगे, जहां इस वक्त मेरी रूह है वहां आप सबकी रूहों को ले जाना चाहता हूं। मुलाहिजा फरमाइए कि अली का इश्क दिले मोतबर में रखा जाए, खुदा के राज को उसके ही घर में रखा जाए। खुदा के हुक्म पर लब्बैक कह दिया इसने, खुदा के हुक्म पर लब्बैक कह दिया इसने, ये अक्ल है इसे इंसान के सर में रखा जाए। शेर पढ़ रहा हूं, इस्तियारा मुलाहिजा फरमाइएगा, चाहे जैसे सुनिए कि खास तौर पे कि गदीरे खुम को भला सैपहर से क्या मतलब। साहब आपकी बड़ी तारीफें सुनी है, इस्तियारों और अलामतों पे दाद मिलती है। आप चाहे जैसे सुनिए, इस्तियारा पहुंच जाए तो कबूल हो जाए तो याद रखिएगा, काफिए के सर की दाद चाहता हूं कि अली का इश्क दिले मोतबर में रखा जाए, खुदा के राज को, शायद कोई नई बात हो याद रखिएगा, खुदा के राज को उसके ही घर में रखा जाए। गदीरे खुम को भला सैपहर से क्या मतलब, ये जश्न मेरे नबी दोपहर में रखा जाए। आए हाय, अल्लाह आपको आबाद रख, सलामत रहिए आप। गदीरे खुम को भला सैपहर से क्या मतलब, गदीरे खुम को भला सैपहर से क्या मतलब। देखिए जहां तक ले जा रहा हूं, मुलाहिजा फरमाइए कि गदीरे खुम को भला सैपहर से क्या मतलब, ये जश्न मेरे नबी दोपहर में रखा जाए। अच्छा, उससे पहले एक शेर और सुनी लीजिए, खास तौर पे कि गदीरे खुम को भला सैपहर से क्या मतलब, ये जश्न मेरे नबी दोपहर में। एक ख्याल सुनिए साहब, व शम्स बज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा, तफसीर सुनिए दो मिसरों में। ये मिल गए, साइंस के स्टूडेंट को भी बड़ा लुत्फ आएगा, ये मिल गए तो कयामत है शबे हिजरत। अपनी उम्र शेर गोई का शायद कोई नाजुक शेर पढ़ने जा रहा हूं, मुलाहिजा फरमाइएगा। गदीरे खुम को भला सैपहर से क्या मतलब, ये जश्न मेरे नबी दोपहर में रखा जाए, ये मिल गए तो कयामत है शबे हिजरत, जरा सा फासला शमसो कमर में रखा जाए। ये मिल गए तो कयामत है शबे हिजरत, ये मिल गए तो कयामत है शबे, अथर भाई मुलाहिजा फरमाए, ये मिल गए तो कयामत है शबे हिजरत, जरा सा फासला शमसो कमर में रखा जाए। माशाल्लाह, नमाज पढ़ने वाले सारे नमाजी बैठे हैं, मौला आपको आबाद रखे। शेर सुनिए जहां तक लाया हूं, ये मिल गए तो कयामत है शबे हिजरत, गदीरे खुम को भला सैपहर से क्या मतलब, ये जश्न मेरे नबी दोपहर में रखा जाए, ये जश्न मेरे नबी दोपहर में रखा जाए। ये मिल गए, आखिरी शेर सुनिए सिलसिले का, गदीरे खुम को भला सैपहर से क्या मतलब, ये मिल गए तो कयामत है शबे हिजरत, जरा सा फासला शमसो कमर में रखा जाए। अरे नजर ना आए नमाजें कजा की सरहद पर, अगर हुसैन का सजदा नजर में रखा जाए। सलामत रहिए आप, आबाद रहिए। नजर ना आए नमाजें कजा की सरहद पर, नजर ना आए नमाजें कजा की सरहद पर, अगर हुसैन का सजदा नजर में रखा जाए। अली जाने नबी क्या है, नबी जाने अली क्या है, मतलब सुनिए, मैं रुकना नहीं चाहता। अली जाने नबी क्या है, नबी जाने अली क्या है, अंधेरे क्या बताएंगे, मिजाज रोशनी क्या है। हाय हाय, माला आपको आबाद रखे। सुनिए जहां तक ले जा रहा हूं, अली जाने करबला की तरफ इल्तिफात कर रहा हूं कि अली जाने नबी क्या है, नबी जाने अली क्या है, अंधेरे क्या बताएंगे, मिजाजे रोशनी क्या है। अली के इश्क में जब मौत आई तब समझ पाए, वगरना हम कहां ये जानते थे जिंदगी क्या है। मुलाहिजा फरमाइए, आबाद रहिए। अली जाने नबी क्या है, नबी जाने अली क्या है। हजरत जनाबे हुर्रे जरी के लिए मैंने बहुत मजामीन मुरतब किए हैं और अनावीन हैं, और कोशिश ये करता हूं कि हर कलाम में, चाहे वो तरही कलाम हो या तबाजात, उसमें जनाबे हुर का एक शेर जरूर होना चाहिए। एक शेर मुलाहिजा कैफियत देखिएगा कि अली जाने नबी क्या है, नबी जाने अली क्या है, अंधेरे क्या बताएंगे, मिजाजे रोशनी क्या है। अली के इश्क में जब मौत आई तब समझ पाए, वगरना हम कहां ये जानते थे जिंदगी क्या है। इसरों की तराज मुलाहिजा फरमाइए, जरा सोचो शबे आशूर से आशूर
का मंजर। अगर मिसरा पहुंच जाए तो दुआओं में याद रखेगा, जरा सोचो शबे आशूर से आशूर का मंजर, हयाते हुर अभी क्या थी, हयाते हुर अभी क्या है। सलावत पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद पर बाबा, पढ़ देंगे वो भी पढ़ देंगे। हाँ, अली जाने नबी क्या है, नबी जाने अली क्या है। मौलाना हुज्जतुल इस्लाम अल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना कमर बरेलवी साहब क़िबला ख़तीब नहजुल बलागा भी तशरीफ़ फरमाए। मैं यहाँ से ही थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूँ कि अली जाने नबी क्या है, नबी जाने अली क्या है, अंधेरे क्या बताएंगे, मिजाज रोशनी क्या है। जरा सोचो शबे आशूर से आशूर का मंजर, हयाते हुर अभी क्या थी साहब, हयाते हुर अभी क्या थी, मैं तब देख लें, हयाते हुर अभी क्या थी, हयाते हुर अभी क्या है। एक एक देखिएगा, एक अलामत है, शायद इसी को लखनऊ कहते हैं, मैं बहुत माजरत के साथ, एक लहजा देखिए, मुलाहजा फरमाइए कि तबर्रा इतना करना दुश्मनी आले मोहम्मद पर। देखिए एक लहजा देखिएगा, तबर्रा लहजा देखिए, शायद इसी को लखनऊ कहते हैं कि तबर्रा इतना करना दुश्मनी आले मोहम्मद पर, जमाना पूछ बैठे इनसे आखिर दुश्मनी क्या है। लहजा फरमाइए मौला आपको आबाद रखें, जमाना पूछ बैठे इनसे आखिर दुश्मनी क्या है। आगे कताबंद मुलाहजा फरमाइए, जहां तक मैं लाया हूं कि जमाना पूछ बैठे इनसे आखिर दुश्मनी क्या है। खास तौर पे जहां तक मैं लाया हूं शहजादी मलके गैरत मलके हया तक, मुलाहजा फरमाइए कताबंद इसी सिलसिले का यह आखिरी कताबंद मुलाहजा फरमाइए कि यहां मनसब नहीं देखो, यहां रिश्तों की अजमत है। थकिएगा नहीं, खुदा हुसैन का बात, यहां मनसब नहीं देखो, यहां रिश्तों की अजमत है। भतीजे का अमल बतलाएगा उसकी फूफी क्या है। अरे मदनपुरा के मोहतरम साहेबान, बनारस में पढ़ रहा हूँ, अलमा की बस्ती है, कताबंद मुलाहजा फरमाइए जहां तक मैं लाया हूँ, चाहे जैसे सुन लीजिए, ये भी आज की महफिल का तोहफा है, इस तालिब इल्म खाकसार की तरफ से कबूल कीजिएगा कि यहाँ मनसब नहीं देखो, यहाँ रिश्तों की अजमत है। भतीजे का अमल बतलाएगा उसकी फूफी क्या है। जमीने करबला से दो इमामों को बचा लाई, कोई ज़ैनब से पूछे रहबरों की रहबरी क्या। करबला से दो इमामों को बचा लाई, कोई ज़ैनब से पूछे रहबरों की है। सुभान अल्लाह, कोई ज़ैनब से पूछे रहबरों की रहबरी क्या है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक बेटी जनाबे सुगरा और एक बेटी जनाबे बाली सकीना एक मदीने में रह गई और मदीने के शहंशाह की आमद का जश्न है और एक करबला आ गई। मसलहते इमाम की बुलंदी तक हमारी मफलूज फिक्रें नहीं पहुंच सकती, लेकिन अतिया खास हो जाए तो जर्रा आफ्ताब बन के चमकता। इस यकीन के साथ एक मजमून पेश करता हूँ, शायद ये भी इस महफिल का एक तोहफा हो। जनाबे सुगरा और बाली सकीना, इंशाल्लाह रियायत लफ्जी पे आप खुद दुआएं देंगे, मैं उलमा से दुआएं चाहता हूँ कि बेटियों के हक में सरवर ने किया ये फैसला, सुनिएगा साहब, बेटियों के हक में सरवर ने किया ये फैसला, एक मदीने में रुकेगी एक चलेगी करबला। पूरे यकीन के साथ, हालांकि ये बहुत डायरी पुरानी डायरी में ये मिसरे लिख के और रखे हुए हैं, पढ़ता कहीं नहीं हूं स्टेज पे, बात यहां आ गई है तो याद आ गए मिसरे, आप चाहे जैसे सुन लें, अपने वजूद से ज्यादा यकीन है इसलिए पढ़ रहा हूं कि बेटियों के हक में सरवर ने किया ये फैसला, एक मदीने में रुकेगी एक चलेगी करबला। आलिमा है, मेरी तरफ देख लीजिए, खुदा हुसैन का वास्ता, कि बेटियों के हक में सरवर ने किया ये फैसला, बेटियों के हक में सरवर ने किया ये फैसला, एक मदीने में रुकेगी एक चलेगी करबला। नायाब भाई बैठ जाएं, इसलिए कि दो मिसरे मैं पहुंचाना ही चाहता हूं, इसलिए कि नायाब भाई की नजर ना हो जाए, कि बेटियों के हक में सरवर ने किया ये फैसला, बेटियों के हक में सरवर ने किया ये फैसला, एक मदीने में रुकेगी। साहब याद रखेंगे आप, बेटियों के हक में सरवर ने किया ये फैसला, एक मदीने में रुकेगी एक चलेगी करबला। आलिमा है, जाकिरा है, शैकी दोनों बेटियां, एक लिखेगी करबला और एक पढ़ेगी करबला। मौला आपको आबाद रखे, शादो आबाद रहिए,
बेटियों के हक में सरवर ने किया ये फैसला, एक मदीने में रुकेगी एक चलेगी करबला। आलिमा है जाकिरा है शेख की दोनों बेटियां, आलिमा है जाकिरा है शेख की दोनों बेटियां, एक लिखेगी करबला और एक पढ़ेगी करबला, एक लिखेगी करबला और एक पढ़ेगी करबला। साथ देखिए, ये चूंकि ममदू की बारगाह में तो जरूरत थी कि पढ़ा जाए, इसलिए मैंने शुरू में पढ़ दिया। दो कलाम की फरमाइश है लेकिन एक कलाम बचा लेता हूँ, इसलिए कि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। एक मतला मुलाहिजा फरमाइए और खास तौर पर मुलाहिजा फरमाए मतला कि सवाल उसने किया है खता के लहजे में। सुरों की तराज देखिएगा, सवाल उसने किया है खता के लहजे में। फिर मिसरा सुनिए, सवाल उसने किया है खता के लहजे में, जवाब हुर को मिलेगा जजा के लहजे में। मतलब पढ़ा है, मौला आपको आबाद रखें। सवाल एक शेर सुनिए, जहां तक ले जा रहा हूं कि सवाल, अर्शी साहब मुलाहिजा फरमाइए, सवाल मैं हमतन वजूद भी चाहता हूं कि सवाल उसने किया है खता के लहजे में, सवाल उसने किया है खता के लहजे में। अल्लाह हु अकबर, मुलाहिजा फरमा लीजिए दो शेर सिलसिले का और वह आखिरी कलाम जिसका हुक्म है, ये दो शेर मुलाहिजा फरमाइए कि सवाल मुकम्मल कलाम नहीं, मैं बचा के ले जा रहा हूँ। सवाल उसने किया है खता के लहजे में, जवाब हुर को मिलेगा जजा के लहजे में, जवाब हुर को मिलेगा जजा के लहजे में। एक ही शेर मुलाहिजा फरमा लें कि जनाबे कासिम मुस्तर का खून शामिल है। लहजा देखिए, जनाबे कासिम मुस्तर का खून शामिल है। निजम भाई, बड़ी मिठास है खाके शिफा के लहजे में। आबाद रहिए। एक शेर और सुन लीजिए, इसी लहजे में सुन लीजिए कि जनाबे कासिम मुस्तर का खून शामिल है, बड़ी मिठास है खाके शिफा के लहजे में, यजीद वक्त मेरी चश्मे तर से डरता है। यजीद वक्त मेरी चश्मे तर से डरता है, वो इनकलाब है अश्के अज़ा के लहजे में। मौला आपको आबाद रखें। एक शेर जहां तक तज़मीन की है, और ये जाहिर सी बात है कि आप तक तज़मीन पहुंच जाए, तो याद रखिए तज़मीन के बाद एक कलाम और उसके बाद इल्तिमास दुआ। मुलाहिजा फरमाइए कि बड़ी मिठास है खाके शिफा के लहजे में, खास तौर से मुलाहिजा फरमाइए, बड़ी मिठास है खाके शिफा के लहजे में, सवाल उसने किया है खता के लहजे में, जवाब हुर को मिलेगा जजा के लहजे में। आमादा हो के आखिरी शेर सुनिए, चाहे जैसे कबूल कीजिए, जलाई जलाई शम्मे अज़ा जब अली की बेटी ने हवाए चीख पड़ी इल्तिजा के लहजे में। जलाई शम्मे अज़ा जब अली की बेटी ने हवाएं चीख पड़ी इल्तिजा के लहजे में। एक सलवात की गुजारिश है आपकी खिदमत में, बाआवाज बुलंद। जनाबे जलाई अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, जलाई शम्मे अज़ा जब अली की बेटी ने हवाएं चीख पड़ी इल्तिजा के लहजे में, हवाएं चीख पड़ी इल्तिजा के लहजे में। अब बहुत दिनों बाद मिले हैं आप, सुनिए साहब अगर कबूल हो जाए तो दुआ में याद रखिए। बात आ गई है तो बाबुल हवाइज तक चलूं के, और बहुत सारे हुक्म हैं लेकिन उलमा हमारे जनाब तशरीफ फरमाए, मैं बहुत माजरत के साथ, लेकिन बहुत जल्दी वो याद ही आ गया, हुक्म फरामोश ना कर दूं मैं, वो कलाम में शुरू करने जा रहा हूँ। वो एक पता सुन लीजिए, बाबुल हवाइज शहजादे जनाब अली असगर अलैहि सलातो सलाम, मुलाहिजा फरमाइए, खास तौर पर मुलाहिजा फरमा लीजिए। हाँ मैं मुलाहिजा फरमाइए, अर्ज करता हूँ कि बोला दिले रुबाब ये फौजे यजीद से, बुजुर्गों से माजरत के साथ नौजवानों तक पहुँचा रहा हूँ कि बोला दिले रुबाब ये फौजे यजीद से, कह दो यजीद नहस से अब आए करबला। लहजा पहुंचे तो बोल लीजिएगा, बोला दिले रुबाब, अब ऋषि भाई ने पहले सुनिएगा कि बोला दिले रुबाब ये फौजे यजीद से, कह दो यजीद नहस से अब आए करबला, लश्कर में अब तो अकबर और अब्बास भी नहीं, असगर से जीत जाए तो ले जाए करबला। या अली मदनी, बोला दिले रुबाब ये फौजे यजीद से, कह दो यजीद नहस से अब आए करबला,
लश्कर में अब तो अकबर अब्बास भी नहीं, असगर से जीत जाए, असगर से जीत जाए तो ले जाए करबला, असगर से जीत जाए तो ले जाए करबला। मुलाहिजा फरमाइए एक कलाम जिसके लिए जाहिर सी बात है कि मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, और एक जमीन है और इसके अंदर एक कमाल ये है साहब, इसके अंदर जो जाहिर सी बात है कि जो इनसे तबर्रुक मांगा है वही तबर्रुक आपके हवाले कर रहा हूं, और बिल्कुल नया कलाम है, सुन लीजिएगा आखिरी कलाम और उसके बाद इल्तिमास दुआ। ये किस्म दम था, मैंने कहा करबला पे बात खत्म करूंगा तो वहीं खत्म करूंगा, मदीने से चला हूं करबला तक। मुलाहिजा फरमाइए, ये किस्म दम था, नजर जो आता हुदूद करबो बला से आगे। थकिएगा नहीं, आखिरी कलाम है, और माशाल्लाह अगर कभी थकान महसूस हो तो माथे का पसीना देख लीजिएगा, हाँ बहुत सुकून मिलेगा। मतलब हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए, बहुत अच्छा सुना आपने, मौला आप सबको सलामत रखे। मतलब पढ़ने जा रहा हूँ, ये किस्म दम था, नजर जो आता हुदूद करबो बला से आगे, फकत ये जैनब का हौसला था गई जो इस इंतहा से आगे। मतला पढ़ाए आपकी बारगाह में, मौला आपको आबाद रखे। ये किस्मे दम था, नजर जो आता हुदूदे करबो बला से आगे, फकत ये जैनब का हौसला था, अदर भाई मुलाहिजा फरमाए, फकत ये जैनब का हौसला था गई जो इस इंतहा से आगे। उलमा तशरीफ फरमाए, दुआएं चाहता हूँ। कजा ने करबो बला को घेरा मिस्रों की तराश, कजा ने करबो बला को घेरा शहादतों का हुआ सवेरा। मिस्रों की तराश पे दुआएं चाहता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए, सुनते रहिएगा एक सिलसिले से। कजा ने भाई, कजा ने करबो बला को घेरा शहादतों का हुआ सवेरा, बका ने आगे कदम बढ़ाए बका की खातिर बका से आगे। खुदाए हुसैन का वास्ता, जरा बोलते आइएगा, अगर मिस्रे पहुंच जाए तो दुआ में याद रखिए। कजा ने करबो बला को घेरा शहादतों का हुआ सवेरा, बका ने आगे कदम बढ़ाए बका की खातिर बका से आगे। साइंस के स्टूडेंट लुत्फ ले कि यहीं से दुनिया की इब्तिदा है, यहीं से दुनिया की इब्तिदा है, यहीं पर दुनिया की इंतहा है। मैंने कहा ऐसे ही सुनते रहिए, साइंस के स्टूडेंट बड़ा लुत्फ लेंगे कि यहीं से दुनिया की इब्तिदा है, यहीं से दुनिया की इब्तिदा है, यहीं पर दुनिया की इंतहा है। कसम खुदा की बगौर देखो धुआं है फर्श अज़ा से आगे। सलामत रहिए, एक मंजिल तक चलिए जहां तक ले जा रहा हूं। कसम खुदा की बगौर देखो धुआं है फर्श अज़ा से, याद रह जाएगा कलाम। कसम खुदा की बगौर देखो धुआं है फर्श अज़ा से आगे। मुलाहिजा फरमाइए, खास तौर पे अमर भाई बैठे हुए हैं, हमारे मौलाना भाई हैं और जनाब बैठे हुए हैं। तमाम आलम है पीछे पीछे, हर एक मुसाफिर थका हुआ है। तमाम आलम है पीछे पीछे, हर एक मुसाफिर थका हुआ है। जरूरी नहीं है कि जोर से मिसरा पढ़ा जाए, आहिस्ते से पढ़ा जाए तो सुन लिया जाता है। तमाम आलम है पीछे पीछे, हर एक मुसाफिर थका हुआ है, फकत वो रूमाले फातिमा है मिला जो अश्के अज़ा से आगे। थोड़ा सा आइए जहां तक ले जा रहा हूँ, कि तमाम आलम, ठहरिएगा जहां तक ले जा रहा हूँ, मेरे साथ रहिए, आखिरी कलाम है इल्तिमास दुआ। कि तमाम आलम है पीछे पीछे, हर एक मुसाफिर थका हुआ है, फकत वो रूमाले फातिमा है मिला जो अश्के अज़ा से आगे। फिर मुलाहिजा फरमाइए, जनाबे हुर फिर आ गए सामने, के जो हुर को शहने गले लगाया, इसरा देखिएगा, जो हुर को शहने गले लगाया, खता ने मंजर अजीब देखा। खुदाए हुसैन का वास्ता, मिसरा पहुंचे तो बोलिएगा, जो हुर को शहने गले लगाया, खता ने मंजर अजीब देखा, खुदा की रहमत बरस रही है जजा है हुर की सजा से आगे। हाय हाय, मौला आपको आबाद रखे, सलामत रहिए आप, सलामत रहिए। वो तीन या चार शेर जहां तक ले जा रहा हूं इंशाल्लाह याद रह जाएंगे। जो हुर को शहने गले लगाया, बुजुर्गों से दुआएं चाहता हूं, जो हुर को शहने गले लगाया, शोरा से बाद में पूछेगा से आगे और के आगे कितना करीब है, लेकिन बचा के कहना बहुत मुश्किल था। कि जो हुर को शहने गले लगाया, खता ने मंजर अजीब देखा, खुदा की रहमत बरस रही है जजा है हुर की सजा से आगे। लब्बैक या हुसैन का तर्जुमा कर रहा हूँ, समाप्त कीजिएगा, कि हमें ज़ियारत से रोक लो तुम, लहजा देखिए, हमें जियारत, अदर भाई मुलाहिजा फरमाइए, हमें जियारत से रोक लो तुम, तुम्हारे सीनों में दम नहीं है।
मैंने कहा अगर बनारस में उलमा की बस्ती में अगर इन मिसरों पे दाद ना मिली तो शायद कहीं ना मिल सके। नब्बे क्या हुसैन का तर्जुमा कर रहा हूं कि हमें जियारत से रोक लो तुम, तुम्हारे सीनों में दम नहीं है, सदाए हलमिन निकल चुकी है हर एक सदी की सदा से आगे। सलामत रहिए। से रोक लो तुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फरज। हमें ज़ियारत से रोक लो तुम, तुम्हारे सीनों में दम नहीं है, सदाए हलमिन निकल चुकी है हर एक सदी की सदा से आगे। सुनिए दो शेर आपकी खिदमत में, उसके बाद इल्तिमास है दुआ, इंशाल्लाह कभी अगर मुलाकात हुई हयात ने वफा की, मुलाहिजा फरमाइए। जो हुर को शहने गले, इंशाल्लाह नौजवान याद रखेंगे, जो हुर को शहने गले लगाया, खता ने मंजर अजीब देखा, खुदा की रहमत बरस रही है, तवज्जो, जजा है हुर की सजा से आगे। मुलाहिजा फरमाइए कि हमें ज़ियारत से रोक लो तुम, तुम्हारे सीनों में दम नहीं है, सदाए हलमिन निकल चुकी है हर एक सदी की सदा से आगे। याद रह जाएगा शेर कि किसी में ताकत नहीं जो छू ले, किसी में ताकत नहीं जो छू ले, किसी में हिम्मत नहीं बुझा दे, अली की बेटी जो ले गई है चरागे मातम हवा से आगे। आहा, आबाद रहिए आप, शाद आबाद रहिए। आखिरी शेर आपके हवाले कर रहा हूं, मुलाहिजा सरकार, मुलाहिजा फरमाइए। जो हुर को नवाजिश बड़ा करम के, जो हुर को शहने गले लगाया, खता ने मंजर अजीब देखा, खुदा की रहमत बरस रही है, जजा है हुर की सजा से आगे। हमें ज़ियारत से रोक लो तुम, तुम्हारे सीनों में दम नहीं है, सदाए हलमिन निकल चुकी है हर एक सदी की सदा से आगे। किसी में ताकत नहीं जो छू ले, किसी में हिम्मत नहीं बुझा दे। नया भाई साइंस की दाद तो मिलनी चाहिए यहाँ से, टीचर हैं। हाँ, किसी में ताकत नहीं जो छू ले, किसी में हिम्मत नहीं बुझा दे, अली की बेटी जो ले गई है चरागे मातम हवा से आगे। हजरात मुलाहिजा फरमा लीजिए, दिल की एक कसक है जो निकल ही जाए। और याद रखिएगा, सरकार खत्मी मर्तबत के दुश्मन को कहा है तब्बत यदा से याद किया कुरान मजीद में। और मैं सरकार खत्मी मर्तबत से लेकर सरकार खत्मी मर्तबत की एक लौती बेटी तक बात पहुंचा रहा हूं, अगर पहुंच जाए तो दुआएं चाहता हूं। अमरोहा में तो पता नहीं कितनी बार पढ़वाया गया, रशी भाई इस बात के गवाह हैं, शबरो साहब आप सुन लीजिए, चाहे जैसे अपनी उम्र शेरगोई का कोई नाजुक शेर, कि किसी में ताकत नहीं जो छू ले, किसी में हिम्मत नहीं बुझा दे, अली की बेटी जो ले गई है चराग मातम हवा से आगे। सुनिएगा, याद रह जाएगा, वो जिनके हाथों ने दर जलाया, सुनिए, वो जिनके हाथों ने दर जलाया, नबी की बेटी का दिल दुखाया, बरोजे महशर वो हाथ टूटे पड़े हैं तब्बत यदा से आगे। आगे सलामत रहिए, सलामत रहिए, बड़ी नवाजिश, मल आपको आबाद रखे। कि किसी में ताकत नहीं जो छू ले, किसी में हिम्मत नहीं बुझा दे, अली की बेटी जो ले गई है चरागे मातम हवा से आगे। हमें ज़ियारत से रोक लो तुम, तुम्हारे सीनों में दम नहीं है, हमें ज़ियारत से, दोनों तरह से लिखा जाता है, हमारे सीनों में दम, तुम्हारे सीनों में दम नहीं है, सदाए हलमिन निकल चुकी है हर एक सदी की सदा से आगे। वो जिनके हाथों ने दर जलाया, नबी की बेटी का दिल दुखाया, बरोजे महशर वो हाथ टूटे पड़े हैं तब्बत यदा से आगे। एक काफिया रह गया खुदा से आगे, अगर निप गया हो तो शोरा से उलमा से दाद चाहता हूँ, और अगर ऐसा कोई काफिया हो तो शेर में कुछ भी ना हो तो बोलना वाजिब है, इसलिए जरूरी है क्योंकि वो निभाने की कोशिश की है, और इंशाल्लाह आप पर पूरा भरोसा है। आखिरी शेर सुनिए, खत्म है बात और खत्म कर रहा हूं यहां से, इंशाल्लाह अगले साल तक के लिए मुलतवी और शोरा के लिए। मुलाहिजा फरमाइए कि किसी में ताकत नहीं जो छू ले, किसी में हिम्मत नहीं बुझा दे, अली की बेटी जो ले गई है चरागे मातम हवा से आगे। वो जिनके हाथों ने दर जलाया, नबी की बेटी का दिल दुखाया, बरोजे महशर वो हाथ टूटे पड़े हैं तब्बत यदा से आगे। मिसरा सर्व कर रहा हूं, वो उदनो मिन्नी की मंजिलें थी, हुसैन मंजिल की इंतहा है।
मिसरा पढ़ाए आपकी बारगाह में। आबाद रहिए आप, खुदा से आगे निप गया हो तो दुआओं में याद रखिएगा। वो उधर मौलाना भाई मैं दुआएं चाहता हूँ, वो उधनो मिन्नी की मंजिलें थी हुसैन, मंजिल की इंतहा है, अब इसके आगे खुदा खुदा है, कोई गया है खुदा से आगे।